हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आइए दिखाता हूं आपको। एक हमारे पास प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का प्रिडिक्ट करना है आउटपुट। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, ये जो बना हुआ है ना, ये एक लिस्ट है और ये फिर दूसरा लिस्ट है, ठीक है। तो आप मुझे प्रिडिक्ट करके क्या ये बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यहां लगाया गया है फॉर लूप और इसमें लिस्ट वन आया है, फिर यहां लगाया गया है लिस्ट टू, फॉर लूप में लिस्ट टू लगाया गया है, और फिर यहां पर आई को और जे को प्रिंट कराया गया। चूंकि समस्या ये है, लेकिन समस्या ये है हमारे साथ कि यहां पर जो है लिस्ट वन और टू रहता तो वन टू टू थ्री प्रिंट हो जाता, फिर एबीसी प्रिंट हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि यहां पे दिया गया है आई और जे। अब आई और जे लूप चल रहा है, जरा देखिए, फॉर आई इन लिस्ट वन है, फिर फॉर जे इन लिस्ट टू है। अब ऐसे में होगा क्या, देखिए होगा ये कि यहां पर जो है ये वन लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये जो वन है ये ए के साथ प्रिंट होगा। तो पहले ए वन प्रिंट होगा, ठीक है, फिर कॉमा देते हैं, फिर देखिए ये वन जो है बी के साथ प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे बी वन हो जाएगा, फिर ये जो वन है वो सी के साथ प्रिंट होगा, तो सी वन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर टू ए के साथ प्रिंट होगा, तो ए टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी टू हो जाएगा, फिर क्या होगा सी टू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये लूप चलेगा और यहां पर थ्री जो है ए के साथ प्रिंट होगा, तो यहां हो जाएगा थ्री ए, फिर क्या होगा थ्री बी, और फिर क्या होगा थ्री सी। यानी इस तरीके से ये चीजें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर रन पे क्लिक करेंगे, यहां से जाएंगे और यहां पर इस तरीके से ये कर दिया हमने, ठीक है। और यहां पर कोई भी नाम देकर के इसे सेव करेंगे और सेव करके चलाने पर ये आउटपुट आएगा। देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि वन ए वन बी वन सी, टू ए टू बी टू सी, और टू थ्री ए थ्री बी थ्री सी, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज प्रिंट होती हुई आपको नजर आ रही है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रिडिक्शन करना है कि आउटपुट क्या आएगा, तो आप आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।